शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। मां ने तब अवतार लिया था जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब माता ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है कथा माता कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। मां कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है। उनके 8वीं हाथ में जप माला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है।